आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ लीक्स के बारे में जो कि रिलेटेड है टोनी स्टार्क से, कैप्टन अमेरिका से, थैनोस से और वॉर मशीन से। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहली लीक है वो है वॉर मशीन से रिलेटेड और ये वॉर मशीन का वॉर बस्टर सूट है। तो इसका लीक सोर्स पता कर लेते हैं। ये लीक सोर्स है अमेजोन की जर्मनी की वेबसाइट से, लेकिन इन सारे टॉयज को अब अमेजोन की उस जर्मनी की वेबसाइट से रिमूव कर दिया गया है और अब आपको उस वेबसाइट पे इस वॉर मशीन के बस्टर आर्मर के अलावा कोई और भी चीज देखने को नहीं मिलने वाली। तो उसके आर्मर को देखने से तो यही लगता है कि अब वॉर मशीन को काफी बड़ी अपडेट मिल चुकी है। ज्यादातर हमने यही देखा है कि आयरन मैन जो टेक्नोलॉजी यूज करता है उसके 2-3 मूवी के बाद हमें वही टेक्नोलॉजी वॉर मशीन के सूट में भी दिखती है। तो अगर कुछ कैलकुलेशंस के बाद अगर हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं तो अभी वॉर मशीन का सूट पहुंचा है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन तक, लेकिन अभी फिलहाल तो इसका कोई आइडिया नहीं है कि वॉर मशीन अपना ये वॉर बस्टर आर्मर कहाँ यूज करेगी। पर फिलहाल तो ये थैनोस के खिलाफ इसे यूज नहीं कर सकता क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में हल्क बस्टर का क्या हुआ था ये हम अच्छे से देख चुके हैं। हल्क बस्टर थैनोस को छू भी नहीं पाया था। इसके बाद जो नेक्स्ट लीक आती है वो आती है कैप्टन अमेरिका द आउटराइडर्स अटैक की। तो फाइनली इस लीक में हमें ये देखने को मिलता है कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड वापस आ चुकी है और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली बाइक भी फाइनली वापस आ चुकी है। और लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार फाइट अल्ट्रॉन से नहीं है बल्कि आउटराइडर से है और इस लीक में भी वही क्वांटम रियम सूट है जो हमें फैन लीक आर्ट में दिख चुका है। तो इन सभी लीक से तो यही बात पता चलती है कि ये जो क्वांटम रियम सूट है ये एवेंजर्स एंड गेम में कुछ अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और जो अगली लीक है वो बहुत बड़ी लीक है और फैन फेवरेट लीक है। वो लीक है आयरन मैन से रिलेटेड उसके हॉल ऑफ फ्लेम आर्मर की। तो मतलब कि हमें आयरन मैन 3 का आर्मर हमें फिर से एंड गेम में देखने को मिलेगा। कुछ रूमर्स तो पहले चल ही रहे थे पर ये बात अब 100% कंफर्म हो चुकी है कि हमें आयरन मैन 3 वाले का आर्मर फिर से एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिलेगा। तो मार्क 51 से मार्क 84 तक सारे आर्मर अब हमें देखने को मिलेंगे और क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन के पास मार्क 50 आर्मर था और अब एवेंजर्स एंड गेम में उसके पास मार्क 85 होने वाला है तो ये बहुत बड़ा टाइम गैप है। तो हमें आयरन मैन का वो रूम वाला सीन एक बार फिर से देखने को मिलेगा उसके हाईली एडवांस्ड आर्मर के साथ और हमें वो सारे आर्मर दिखाए जाएंगे जो कि मार्क 51 से मार्क 84 तक होंगे। और यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर हम आउटराइडर्स को भी देख सकते हैं कि वो कैसे हमारे टोनी स्टार्क पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये रूम एवेंजर्स की फैसिलिटी में है तो हमें मतलब कि आउटराइडर्स और थैनोस दोनों एवेंजर्स की फैसिलिटी में देखने को एक मूवमेंट में जरूर मिलेंगे। और ये बात कंफर्म हो जाती है इस लीक से जहाँ पर हम देख सकते हैं थैनोस को एवेंजर्स की फैसिलिटी में और यहाँ पर थैनोस फाइट कर रहा है कैप्टन मार्वल के साथ, हल्क के साथ, आयरन मैन के साथ, एंट मैन के साथ और वॉर मशीन के साथ। तो मतलब कि एक मूवमेंट ऐसा आएगा जहाँ पर हम थैनोस को देख पाएंगे एवेंजर्स फैसिलिटी में और यहाँ पे हम थैनोस के हाथ में एक बहुत बड़ा हैमर देख सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये किसका हैमर है पर प्रोबेबली ये कलॉक्सिडियन का हैमर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो थैनोस मेजर फाइट कर रहा है वो कर रहा है हल्क के साथ, यानी कि थैनोस और हल्क की फिर से एक बार रिमैच होगा। और मेन बात, यहाँ पर थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है बल्कि अपने हैमर का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब कि ये शूट उस पॉइंट का है जहाँ पर थैनोस ने काफी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को लूज कर दिया है और मे बी ये सारे स्टोन्स उन एवेंजर्स की वजह से लूज हुए हों जो कि इस समय थैनोस के साथ नहीं है और थैनोस के खिलाफ फाइट भी नहीं कर रहे हैं। और मे बी ये हो सकते हैं थॉर, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो। तो धीरे धीरे अब थैनोस के हाथ से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स गायब हो रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो इसीलिए यहाँ पे आया है एवेंजर्स फैसिलिटी में कि ये पता लगाने कि आखिर ये हो क्या रहा है, उसके इन्फिनिटी गॉन्टलेट से ये सारे स्टोन्स गायब क्यों हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आके उसकी फाइट हो गई एवेंजर्स से। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी सबसे फेवरेट लीक कौन सी थी। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय।